नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस। मैं हूं अशोक पांडे। स्वागत करने के साथ हमेशा की तरह रिक्वेस्ट, नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपका अपना चैनल है। हम लोग बात कर रहे हैं निर्भया गैंग रेप मामले की। 2012 से घटित घटना आज 2020 आ गया, अब जाकर के फांसी की सजा तय की गई है 22 जनवरी 2020। चलिए पूरे के पूरे घटनाक्रम 2012 से लेकर के 2020 तक क्या कुछ हुआ, सब पहलुओं पर एक बार जरा बात करते हैं। थोड़ा आपका समय जरूर लगेगा, अंत तक बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। 16 दिसंबर 2012 की ये वो घटना थी जिसने शायद ही किसी ने भुलाया, आज भी इतिहास के काले पन्नों में इस घटना को दर्ज कर दिया गया है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया और ये एक ऐसी वारदात थी जिसने सड़क से लेकर संसद तक सबको पूरी दुनिया में हिला के रख दिया। हम लोग बात कर रहे हैं निर्भया गैंगरेप मामले की और ये बलात्कार का जो मामला था 2012 से लेकर के आज 2020 आ गया, आज तक दोषियों को फांसी की सजा नहीं सुनाई गई। आने वाले समय यानी 22 जनवरी 2020 में जिन्होंने इस हैवानियत को अंजाम दिया उनको फांसी की सजा तय की गई है। चलिए बात करते हैं कि पूरा मामला आखिर था क्या। 16 दिसंबर 2012 में चलते हैं और दिल्ली के चेहरे पर एक बदनुमा दाग लगाने की तरह ये वारदात ठहर गई और इसने दिल को दहला दिया पूरे दिल्लीवासी, पूरे देशवासियों को, जिसने अब से 6-7 साल पहले हुई घटना, एक रात में, अंधेरी रात में चलती हुई बस में 5 बालिग और 1 नाबालिग व्यक्ति सवार था, निर्भया के साथ हैवानियत का बेहद ही शर्मसार खेल खेला। 23 साल की निर्भया वास्तव में पैरामेडिकल की छात्रा थी। वो फिल्म देखकर अपने एक मित्र के साथ अपने घर वापस आ रही थी, द्वारिका से मुनिरका, और जब वो अपने घर वापस आ रही थी तो उसके साथ में बस में सवार 6 और भी लोग थे। इन्होंने ही उसके साथ ये सारी शुरुआत में छेड़खानी करनी शुरू कर दी और बाद में इन्हीं लोगों ने निर्भया के साथ गैंगरेप किया, पीटा। काफी ज्यादा मारपीट करने के बाद में दोनों यानी निर्भया और उसके मित्र को पीटा और पीटने के बाद अंधेरे में चलती हुई बस से उन दोनों को फेंक दिया। कई देर तक जो निर्भया थी वो इन दरिंदों के साथ लड़ती रही, अंत में उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उन सब ने निर्भया के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया। यही नहीं, उनमें से एक ने जंग लगी हुई रॉड को निर्भया के प्राइवेट पार्ट में डाल दिया और इस हैवानियत की वजह से निर्भया की आंतें शरीर से बाहर निकल आई। बाद में उन शैतानों ने निर्भया और उसके दोस्त को दक्षिण दिल्ली के महिपालपुर के नजदीक बसंत विहार इलाके में चलती हुई बस से फेंक दिया। इसके बाद की जो घटना है वो और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधी रात में ये होने के बाद जो बसंत विहार में कुछ लोगों ने इस पूरी घटनाक्रम को देखा और उन्होंने पुलिस को बताया। पुलिस ने लड़की को नाजुक अवस्था में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। ये मामला मीडिया की सुर्खियां बन गया और बनते ही इन दरिंदगी के जिन्होंने भी इस पूरे काम को अंजाम दिया था लोगों में काफी आक्रोश था। पुलिस ने 2 दिन के बाद यानी 18 दिसंबर 2012 को जो भी आरोपी थे यानी टोटल 6, 1 नाबालिग और 5 बालिग उन सभी को गिरफ्तार कर लिया। घटना के 2 दिन के बाद जैसा मैंने आपको बताया, जैसे दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जो राम सिंह नाम का आदमी था, वो ड्राइवर था, उसने पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद सभी के नाम बताए और घटना प्रदर्शन हो रहे जगह पर लोग सड़कों पर उतर आए, लोगों ने आक्रोश किया और काफी ज्यादा जब इस मामले में बवाल मचा तो जल्द से जल्द पुलिस ने अपनी पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। 19 दिसंबर 2012 की वो घटना जब इन सब के बीच जूझ रही निर्भया दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा था, उसी समय पूरे देश में आक्रोश था, हंगामा मचा हुआ था, लेकिन निर्भया की हालत में सुधार नहीं हो रहा था क्योंकि वो बुरी तरह से जख्मी थी। निर्भया की हालत में सुधार नहीं हो रहा था और लगातार वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही थी। तो हम लोग अब बात करते हैं 11 मार्च 2013 की, जब मामला कोर्ट में चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में 80 लोगों की गवाही मिली। इसके पहले मैंने जैसा आपको बताया कि अस्पताल के इलाज के दौरान वह जब अपने जीवन की जंग हार गई, सिंगापुर में उसका इलाज चल रहा था, दिल्ली से उसे सिंगापुर भेजा गया, उसके बाद 11 मार्च 2013 को कोर्ट में मामला शुरू हो गया। अब निर्भया नहीं थी लेकिन
पुलिस ने अपने पूरे मामले की तहकीकात करते हुए 80 लोगों की गवाही ली और पूरी गवाही लेने के बाद आरोपी चालक जो कि तिहाड़ जेल में बंद था, ऐसा माना गया कि उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि राम सिंह यानी जो ड्राइवर था, बस का ड्राइवर था, ऐसा उनके जो परिवार के लोग हैं और उनके वकील का कहना यह है कि उसने आत्महत्या नहीं की, कुछ और संदेहजनक स्थिति थी। 10 सितंबर 2013 से लेकर के 13 मार्च 2014 फास्ट ट्रैक कोर्ट, जहां पे फटाफट जल्दी केस का निवारण होता है, 10 सितंबर 2013 को चारों बालिक आरोपियों को दोषी करार करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 13 सितंबर 2013 को मौत की सजा सुना दी। आरोपियों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी। 2 जून 2014 आरोपियों ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की और 14 जुलाई 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने चारों आरोपियों की फांसी पर सुनवाई होने तक रोक लगा दी, स्टे कर दिया। 15 मार्च 2014 की घटना है जब आरोपियों के वकील कोर्ट में प्रस्तुत हुए और 20 दिसंबर 2015 नाबालिग अपराधी को बाल सुधार गृह भेजा गया क्योंकि उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी, जिसे लेकर के पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। दोषी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 4 अप्रैल 2016 उनकी फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। देरी होते देख पूरा मामला काफी डिले हो रहा था, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2016 को केस 3 जजों की बेंच में भेजा और केस में मदद करने के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त किए। एमिकस क्यूरी वो होते हैं जो कोर्ट को मामले जल्दी निपटाने के लिए मदद करते हैं, ये वकील भी हो सकते हैं। 18 जुलाई 2016 में सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा और फास्ट ट्रैक की तरह जल्दी फटाफट इसकी सुनवाई की गई। अब 9 जुलाई 2018 को दोषियों की ओर से दाखिल की गई एक पुनर्विचार याचिका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 मई 2017 सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की जो सजा थी वो बरकरार रखी और उसके बाद 9 जुलाई 2018 को दोषियों की सजा की जो पुनर्विचार याचिका थी, रिवीजन पिटीशन थी, उसे भी रिजेक्ट कर दिया और उनकी सजा को बरकरार रखा, यानी फांसी की सजा दिया जाना निश्चित किया। 13 दिसंबर 2018 चारों दोषियों ने तुरंत मौत की सजा देने के निर्देश की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने तो कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिलहाल जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट के बाद जो कोर्ट है, डेथ वारंट इशू हो चुका है। चारों जो आरोपी हैं, जिनमें से एक ने पहले ही आत्महत्या कर ली थी, अब बचे चार, उनमें से एक जो था वो था नाबालिग, तो 3 साल की सजा मिली और बाकी बचे चार को फांसी की सजा दे दी गई है और जो सजा का निर्धारण है, जो एग्जीक्यूशन है, वो 22 जनवरी 2020 को होगा, पूरा का पूरा निर्भया कांड। जी हाँ, और इसके साथ ही क्या आपको ऐसा लगता है कि फांसी की सजा दे देने से हमारे देश में फांसी की सजा देने के बाद इस प्रकार के जघन्य अपराध या घटनाएं रुक जाएंगी? आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। इसके साथ ही व्यवस्था में परिवर्तन होना भी आवश्यक है, कानून में परिवर्तन होना भी आवश्यक है, क्योंकि निर्भया जैसे मामले में जहां पर मीडिया, आपका, मेरा, सभी लोगों का, कोर्ट का, फास्ट ट्रैक कोर्ट का, सभी का सहयोग था, उसके बावजूद 7 से 8 वर्ष का एक लंबा समय न्याय मिलने में लग गया, तो एक लंबा या देर से न्याय मिलना भी अन्याय के बराबर ही है। तो क्या व्यवस्था में सुधार होना चाहिए? आपका क्या कहना है और क्या आप कहना चाहते हैं कि हमारे देश में इस प्रकार की घटनाएं ना हो आगे? आपके क्या सुझाव हैं आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स पे मेंशन कीजिए। और आप अगर अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझे बात करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए बात कर सकते हैं। ये था निर्भया कांड। आपको अगर जानकारी पसंद आई हो तो आपका अपना चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। इसी प्रकार के जो कानूनी वीडियोस हैं, कानून की जानकारी है, आपको मिलती रहेगी। आप सभी का कीमती और महत्वपूर्ण समय जो आपने मुझे दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद।